तो दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए जो एक ट्रेंड के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ट्रेंड के रिलेटेड वाले को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है मैं वो सॉल्व करना। तो यहाँ बताया गया है ट्रेन लिव्स स्टेशन एट 7 बजे एक ट्रेन खुलती है और रीचेस अनदर स्टेशन एट 11 AM, फिर अनदर ट्रेन लिव्स स्टेशन बी को छोड़ती है, ठीक है, मतलब तो पहले पहुंच रही थी वहाँ पे। ये बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, यहाँ से ये ट्रेन खुली यहाँ जा रही है, ये ट्रेन यहाँ से 1 घंटे बाद खुली यहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेन कब मिलेगी हमें ये निकालना है, बेसिकली यही मतलब है। तो अब चलिए सबसे पहले इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। तो हमने मान लिया डिस्टेंस एक्स, तो डिस्टेंस एक्स था तो इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लग रहा है, 4 घंटे, है ना, 7 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो 4 घंटे लग गए। तो इसका स्पीड कितना हो गया, एक्स बाई 4, ठीक है। और अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्पीड आ गया और टी टाइम बाद ये दोनों मिलते हैं, मान लो टी टाइम बाद ये यहाँ पे पहुँचा तो ये दोनों यहाँ पे मिल गए, तो इस टाइम टाइम टी हो रहा, तो एक्स बाई 4 इंटू टी ये यहाँ पे पहुँच गया। प्लस अब देखिए इसको कितना टाइम लगा, 3.5 घंटे, तो 3.5 घंटे मतलब क्या होता है, 3.5, है ना, लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको आप 3 + 1/2 या 7/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हम t-1 लिखेंगे, बोलिए क्यों, क्योंकि ये 7 बजे खुला, ये 8 बजे खुला, तो ये 1 घंटे बाद खुला, इसीलिए यहाँ पे t-1, ये पहुँच जाएगा इतना में तब नहीं, ये देखिए अभी यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, बट ये उसके 1 घंटे बाद खुला है तो भी यहाँ पहुँच गई है, तो जब तक ये टी चलेगा तो कितना चलेगा, t-1। तो देखिए ये इतना दूर कवर किया, ये इतना दूर कवर किया, तो टोटल कितना कवर हुआ, एक्स, तो टोटल डिस्टेंस रहते हैं एक्स निकला। तो यहाँ से हम फिर अगर इक्वेशन बनाएंगे, देखिए दोस्तों ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स कट गया, ठीक है। तो अगर आप इसको तोड़ वो करिएगा तो ये आएगा t/4, ये 2t ऊपर चला जाएगा, 2 7 = 1, ठीक है। इसके बाद आप करिए एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 28, यहाँ पर आएगा 70, यहाँ पर आएगा आपका 80, फिर 4 - 8 = 1, यहाँ से आप लिख सकते हैं 15t = 28 + 8 = 28 36, ठीक है। दो घंटे 24 मिनट, ठीक है, उसको चेंज करिएगा तो ये 12/5 hours, इसको 2 घंटे 24 मिनट लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो गया, इसे क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस इन सब में यही है कि आपको चेक करना पड़ेगा, आपको जो ये सब लिखा हुआ है मेन इसको पढ़िए, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह।